नमस्कार। कोरोना के प्रभाव से हमारी मन की बात भी अछूती नहीं रही है। आज लॉकडाउन रो तृतीय मन की बात कार्यक्रम रे देशवासी को संबोधित करिछंती प्रधानमंत्री। पूर्वांचल देश अभिवृद्धि रो इंजन हेबारो सामर्थ्य बहन करुछि। विकास रो चरम सीमा रे पहुंचिबा पई पूर्वांचल रो श्रमजीवींकर सामर्थ्य ओ शक्ति अछि। पूर्वांचल रो उन्नति आवश्यक। केवल पूर्वांचल रो विकास द्वारा ही देश रो संतुलित अर्थनैतिक विकास रो नेतृत्व नै परिबो बोली मोदी कहिछंती। तेबे मन की बात रे पूर्व भारतर कथा उल्लेख करबाकु नै प्रधानमंत्री को धन्यवाद जणाइछंती केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी का इसीलिए और विशेष रूप से आभारी हूँ, उन्होंने पूर्व भारत की विषयों को उल्लेख किया अपने मन की बात में। उन्होंने फिर दोहराया, जब तक पूर्वी भारत देश की अन्य हिस्सों की तुलना में अर्थनैतिक विकास नहीं होती है, प्रगति नहीं करती है, तो देश संतुलित अर्थनैतिक विकास, सामाजिक विकास नहीं कर सकता है। इसीलिए इस चुनौती भरा समय में भी जो नया संरचना होगा उसमें पूर्वी भारत को महत्व दिया जाएगा, विशेष करके मजदूर वर्गों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए ध्यान दिया जाएगा। ऐसे सारा विषय आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है। मोदी कहिछंती देश धीरे धीरे स्वाभाविक हेउछि। ट्रेन चलाचल और विमान उड़ाण आरंभ होइछि। धीरे धीरे शिल्पानुष्ठान मध्य कार्यक्षम हेउछि। अर्थव्यवस्थार एक बड़ भाग वर्तमान खोलिबा आरंभ करिछि। सेहिपरि सेवा एवं त्यागर विचार आम आदर्श नुहे, बरं भारतर जीवन पद्धति, जहाकु महामारी समय रे भारतवासी प्रमाण करि देखाइछंती। आम डाक्तर, पुलिस, सफेई और मीडिया कर्मी माने निरंतर जनसेवारे लागिछंती। सेहिबळी तमिलनाडु अगरतला और पठानकोटर किछि व्यक्तिंको उदाहरण देइछंती प्रधानमंत्री। मोदी कहिछंती सेवा भावरे लोकंको सहाय्य करथुबा हि लोकंकु मु सम्मान एवं आदर करूछि, सेमानंकु हृदयरु धन्यवाद जणाउछि। सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। अगरतला में ठेला चलाकर जीवन यापन करने वाले गौतम दास जी अपनी रोजमर्रा की कमाई की बचत में से हर रोज दाल चावल खरीदकर जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। पंजाब के पठानकोट से भी एक ऐसा ही उदाहरण मुझे पता चला। यहाँ दिव्यांग भाई राजू ने दूसरों की मदद से जोड़ी गई छोटी सी पूंजी से 3000 से अधिक मास्क बनवाकर लोगों में बांटे। कोरोना संकट स्थिति रे इनोवेशन हेउछि। गांव रु शहर जाय छोटो व्यापारी को ठारु नै स्टार्टअप जाय समस्त नुआ नुआ इनोवेशन करुछंती। एथि पई नासिक रो जणे चासिंग को उदाहरण देइछंती प्रधानमंत्री। मोदी कहिछंती कोरोना वैक्सीन को नै आमो लैब रे जेउ इनोवेशन हेउछि ताहा उपरे दुनिया रो नजर रहिछि। तमाम देशवासी गांवों से लेकर शहरों तक, हमारे छोटे व्यापारियों से लेकर स्टार्टअप तक, हमारी लैब्स कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। जैसे नासिक के राजेंद्र यादव का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। राजेंद्र जी नासिक में सतना गांव के किसान है। अपने गांव को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्होंने अपने ट्रैक्टर से जोड़कर एक सैनिटाइजेशन मशीन बना ली है और ये इनोवेटिव मशीन बहुत प्रभावी तरीके से काम कर रही है। कोरोना की वैक्सीन पर हमारी लैब्स में जो काम हो रहा है उस पर तो दुनिया भर की नजर है और हम सबकी आशा भी। कोरोना पई सबुठ अधिक प्रभावित होउछंती प्रवासी एवं श्रमिक। आमे सबु मिसी तांकर ओही पीड़ा बांटिबा को प्रयास करुछंती। आम रेलवे सेमानंकर सहाय्य पई निरंतर प्रयास करुछि। लक्ष लक्ष श्रमिकों को ट्रेन जोगे सेमानंको गंतव्य स्थल को पहुंचाइबारे, सेमानंको खाद्य जोगाइबारे, समस्तंको पई क्वारंटाइन सुविधा करिबा, टेस्ट करिबा आदि कार्य निरंतर चलीछि। सेहिपरि अंधारु आलोक आड़ को गति करिबा मनुष्यर स्वभाव। आत्मनिर्भर भारत योजना को एबे तांकर अभियान करिबा आरंभ कलेनी। एही मिशन रो नेतृत्व देशवासी हात को नेइछंती। लोक माने एबे लोकल प्रोडक्ट किणुछंती, वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करुछंती। अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ना मानव स्वभाव है।
तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो ये भी बताया है कि उन्होंने जो जो सामान उनके इलाके में बनाए जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट बना ली है। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। योग साहाज्यरे रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत हुए एथिपाई बहु प्रकार रो प्राणायाम रहिची जहार प्रभाव आमे बहु समय धरी देखि आसीछु। आयुष मंत्रालय मध्य माई लाइफ माई योगा नामरे अंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग रे एको प्रतियोगिता आरंभ करिची। एथिरे भाग नेबा पई आपणकर एको 3 मिनिट रो वीडियो अपलोड करबाकु पडिबो। आयुष्मान भारत योजना रो एको बडो विशेषत्व हेउची कि एहा देश को एकता रंग रे रंगीन करबाकु सहायक हेउची। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर के अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की। मन की बात रे ओडिसा को प्रशंसा करिछंती प्रधानमंत्री। सुपर साइक्लोन अम्फान रो साहस रो सह मुकाबला पई धन्यवाद देछंती मोदी। सेहीपरि पश्चिम बंग बासी मध्य जेउ साहसिकतार सह ए कठिन स्थिति को सम्मुखन करिछंती ताहा प्रशंसनीय बोली प्रधानमंत्री कहिछंती। पश्चिम बंगाल और ओडिसा के लोगों ने जिस हिम्मत और बहादुरी के साथ हालात का सामना किया है प्रशंसनीय है। संकट की इस घड़ी में देश भी हर तरह से वहां के लोगों के साथ खड़ा है। साथियों, एक तरफ जहां पूर्वी भारत तूफान से आई आपदा का सामना कर रहा है वहीं दूसरी तरफ देश के कई हिस्से टिड्डियों या लोकस्ट के हमले से प्रभावित हुए हैं। इन हमलों ने फिर हमें याद दिलाया है कि छोटा सा जीव कितना नुकसान करता है। पंगपाल समस्या विषय मध्य कहिछंती मोदी। मोदी कहिछंती जे देशर बहु अंश पंगपाल द्वारा प्रभावित होईछि। एहा हमकु मने पकाउछि कि छोटो जीव किपरि क्षतिकारक होई पारे। से पुनी कहिछंती जे जून 5 रे विश्व परिवेश दिवस पालन करिवो। प्रकृतिर समृद्ध विविधता जैव विविधता को निकटरु देखिबाकु सुजोग मिलुछि। ब्यूरो रिपोर्ट .org.in। उत्तम स्वास्थ्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।